हाँ जी बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि गति का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि अगर हम किसी वस्तु के ऊपर कोई असंतुलित तो बल ना लगाएं, तब तक वो क्या नहीं करेगी? बताओ शाबाश। गति में परिवर्तन नहीं करेगी और दिशा में परिवर्तन नहीं करेगी। अब हम यह जो प्रथम नियम है इसके बारे में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है बेटे? हम कोशिश करेंगे कि हम इस बात को प्रैक्टिकली समझ सकें कि क्या ऐसा वास्तव में होता है या ऐसे ही बताया जा रहा है, ठीक है? तो जिन बच्चों को पीछे से दिखाई ना दे वो खड़े होकर इधर अपनी टेबल के चारों तरफ आ सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ आना है। जितने यहाँ बैठ कर देख सकते हैं वहाँ से बैठ के देख लेंगे, ठीक है? तो अपन अभी एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। अब हमने क्या ले रखा है यहाँ पर? क्या रखा हुआ है? एक पानी का गिलास, एक क्या है हमारे पास? गत्ता। और एक क्या है हमारे पास? छिक्का। नहीं बेटे, सिक्का। ठीक है, चाहिए 1 रुपए का हो, 2 का हो, जितने का मर्जी हो। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो तुमने सिंपल भाषा में ये बताता हूँ। जैसे ये मान लो एक गत्ता है हमारे पास, गत्ते के ऊपर सिक्का है, इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये साथ के साथ जा रहा है ना इसके, चाहे हम जहाँ मर्जी लेकर जाएं। क्लियर हुआ बात? अब हम क्या करेंगे, हमने एक गिलास रखा, इस गिलास के ऊपर ये गत्ता रख दिया और बीच में एक सिक्का रख दिया, ठीक बात है? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस गत्ते को यहाँ से हटाऊंगा, ऐसे करके गत्ते को अगर हटाऊंगा, तो ये सिक्का इसके साथ जाएगा कि यहीं रहना चाहिए? क्यों? गति का पहला नियम तो ये कह रहा है कि भाई हमने इस पर अगर बल नहीं लगाया तो ये यहीं रहना चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि यहीं रहेगा या साथ जाएगा। ओके, तैयार हो? ध्यान रखना। ओके, ये थोड़ा गलत जगह पे गिरा, गलत जगह पे इसलिए गिरा कि हमारा जो गत्ता है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम करके देखते हैं और कोशिश करेंगे कि सही तरीके से समझ आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपना गत्ता बदलेंगे, ठीक है? चलिए एक बार फिर करें। अब बताओ सिक्का कहाँ गया? गिलास के अंदर। गिलास के अंदर क्यों गया बेटे सिक्का, ये बताओ क्या कारण है कि सिक्का जो है हमारा गिलास के अंदर गिरा? कोई बच्चा बता सकता है? इसका कारण यह है बेटे कि हमने बल किसके ऊपर लगाया था? गत्ते पर। क्या सिक्के पर लगाया? नहीं। इसलिए सिक्का जो है गति के प्रथम नियम के अनुसार जहां पहले था वहीं बाद में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर असंतुलित बल ना लगाया जाए। क्लियर हुआ? तो इसीलिए सिक्का यहीं रहा और गत्ता इसके नीचे से निकल गया। अब आप कहेंगे गुरुजी, पिछली बार जब आप धीरे धीरे उसको लेकर जा रहे थे तब तो वो साथ जा रहा था, बल तो तब भी हम सिक्के पर नहीं लगा रहे थे, तब भी हम सिर्फ गत्ते को ले जा रहे थे ना, लेकिन सिक्का साथ जा रहा था, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके बीच में घर्षण बल भी लगता है। जब मैंने गत्ते को चलाया तो उसके साथ सिक्का इसलिए चल रहा था क्योंकि घर्षण बल लग रहा था, सिक्का वहीं रहने की कोशिश कर रहा था गति के पहले नियम के अनुसार, लेकिन क्योंकि हमारे गत्ते के अंदर गति इतनी कम थी के घर्षण बल जो लग रहा था वो सिक्के को आराम से चला सकता था अपने साथ, ठीक है? लेकिन अभी इस केस में क्या हुआ, इसमें मैंने गत्ते को जोर से मारा, जब मैंने जोर से मारा तो वो उसके नीचे से निकल गया और घर्षण बल इतना कम था कि वो सिक्के को अपने साथ नहीं ले जा सका। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये क्रियाकलाप जो हमने किया, एक्टिविटी, ये किस बारे में है बेटे, किस टॉपिक से जुड़ी हुई है? गति के प्रथम नियम से जुड़ी हुई है। अच्छा, गति का प्रथम नियम क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? हाथ ऊपर करो शाबाश। आप बताओगे? चलो बताओ शाबाश, आप बताओ बेटे क्या होता है गति का प्रथम नियम? यस, इस नियम के अनुसार जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बल न लगाया जाए तब तक उस वस्तु की दिशा और गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक असंतुलित बल किसी वस्तु पर ना लगाया जाए तब तक उसकी दिशा और गति में परिवर्तन नहीं होगा। और कौन बच्चा बताएगा? और कौन बच्चा बताएगा? इस नियम के अनुसार जब तक हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल ना लगाएं तब तक वह ना तो गति में परिवर्तन होगा ना दिशा में परिवर्तन। और कौन बच्चा बताएगा? इस नियम के अनुसार जब तक हम असंतुलित बल ना लगाएं तो ना ही गति में परिवर्तन होगा ना ही दिशा में। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है, फिर बैठ जाओ सारे बच्चे।